नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बिग न्यूज बिग शो में बात होगी हरियाणा के सबसे बड़े शो यानी विधानसभा चुनाव की। टिकटों के मंथन के बीच अब एक नाम ऐसा सामने आया है जिसकी विधानसभा सीट फाइनल हो चुकी है, नायब सैनी। जी हां, नायब सैनी बीजेपी की ओर से घोषित उम्मीदवार के तौर पर पहले उम्मीदवार है। अब नायब सैनी कौन सी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस बार इस बात का खुलासा हो चुका है। बिग न्यूज बिग शो में सभी दलों के उम्मीदवारों पर हो रहे मंथन पर भी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। विधानसभा चुनाव को बीजेपी की लिस्ट कब आने वाली है और अभी तक कितनी सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों को फाइनल किया है, बिग न्यूज बिग शो में बात होगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। बढ़ती मुश्किलों की, एक बार फिर से हुड्डा पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। किस मामले में यह कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या है, बिग न्यूज बिग शो में इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ बात होगी कांग्रेस के टिकटों पर मंथन की। विधानसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस का मेगा मंथन जारी है। कई सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा हो चुकी है, अब इंतजार है तो उम्मीदवारों का। आखिरकार 2500 से ज्यादा के आवेदन में से कांग्रेस किस उम्मीदवार पर अपना दांव खेलती है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे हिमाचल सरकार के बड़े फैसले की। हिमाचल में मॉनसून सत्र जारी है, कई मुद्दों को लेकर सदन में विपक्ष ने वॉकआउट किया। इसी बीच हिमाचल सरकार की ओर से लड़कियों की शादी की आयु को बढ़ा दिया गया। अब हिमाचल में लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल कर दी गई है शादी के लिए। बिग न्यूज बिग शो में अगले आधे घंटे के दौरान इन तमाम मसलों पर रहेगी हमारी नजर। कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट को बीजेपी ने फाइनल कर दिया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक सीट पर फाइनल मुहर लग चुकी है। मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी की सीट को बीजेपी ने बदल दिया है। हाल ही में हुए उपचुनाव में नायब सैनी ने करनाल सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में नायब सैनी किसी दूसरी सीट से चुनावी ताल ठोकने वाले हैं। कौन सी है वो सीट और नायब सैनी का राजनीतिक सफर कैसा रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार किस सीट से अपनी दावेदारी पेश करेगा, इसको लेकर सभी दलों का मेगा मंथन जारी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के लिए एक नाम पर फाइनल मोहर लग गई है। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बीजेपी कुरुक्षेत्र की लाड़वा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जानकारी देते हुए साफ किया कि नायब सिंह सैनी लाड़वा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीएम साहब लाड़वा से चुनाव लड़ेंगे, सीएम साहब लाड़वा से चुनाव लड़ेंगे, सीएम साहब लाड़वा से चुनाव लड़ेंगे, सीएम साहब लाड़वा से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए नायब सिंह सैनी को प्रदेश की कमान सौंपी थी, जिसके बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले हुए हैं। पंचकूला से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान भी किया था, जिसके बाद अब नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने लाड़वा से चुनावी मैदान में उतारा है। हरियाणा की मौजूदा कमान संभालने वाले नायब सिंह सैनी ने हाल ही में हुए उपचुनाव में करनाल विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। अब लाड़वा से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सफर पर भी एक नजर डालते हैं। कौन है नायब सिंह सैनी? मौजूदा हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। अंबाला के मिजापुर माजरा गांव में नायब सैनी का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की, 90 के दशक में अंबाला से राजनीति की शुरुआत की। नायब सिंह सैनी को 2002 में अंबाला में बीजेपी के जिला युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया गया। नायब सिंह सैनी ने संगठन में महासचिव और जिला अध्यक्ष जैसे पदों की कमान संभाली, हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाली। 2009 में नायब सिंह सैनी बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री के पद पर रहे। साल 2009 में पहली बार नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी की। साल 2012 में बीजेपी ने उन्हें अंबाला में जिला अध्यक्ष बनाया। साल 2014 में नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा।
नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को विधानसभा चुनाव में मात दी। 2016 में नायब सिंह सैनी को बीजेपी की सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ा। आम चुनाव में नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से बतौर सांसद जीत दर्ज की। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी सौंपी। 2024 में नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने। नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं। बहरहाल बीजेपी की ओर से हरियाणा विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को लाड़वा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अमित शाह ने चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान किया था। अब देखना होगा कि लाड़वा की सीट पर नायब सिंह सैनी की दावेदारी कितनी मजबूत साबित होती है। दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों का मंथन जारी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर माथापच्ची मौजूदा वक्त में चल रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक में कई विधानसभा सीटों पर नाम लगातार सामने आ रहे हैं और फिर उस पर मंथन भी हो रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी उम्मीदवारों के ऐलान के लिए इंतजार की बात लगातार कही जा रही है। अब किस दिन बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और कितनी सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल करके सबसे पहले सामने आएगा, इस पर भी रहेगी नजर। उसी से जुड़ी ये रिपोर्ट भी आप देखें। हरियाणा विधानसभा 2024 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी दल टिकटों पर मंथन कर रहे हैं। दिल्ली में टिकटों के मंथन पर मेगा दौर चला। पहले छोटी टोली की बैठक, फिर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। शाम को बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत चुनाव समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 55 सीटों पर मंथन हुआ। बैठक के बाद कुछ संभावित नाम भी सामने आए। आइए आपको बीजेपी के कुछ संभावित उम्मीदवारों को बताते हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से उम्मीदवार बनाया है, तो चर्चा पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को भी टिकट मिलने की हो रही है। सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का भी नाम संभावितों की लिस्ट में है। फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी बीजेपी संभावित उम्मीदवारों की रेस में है। बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान पर बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया है कि अभी एक दो दिन बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाली नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने साफ किया कि अभी बीजेपी दो दिन और टिकटों को लेकर मंथन करेगी और दो दिन बाद ही उम्मीदवार का ऐलान करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, कुछ अभी दो दिन का समय और लगेगा। दो दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। टिकटों को लेकर चल रहे मंथन पर बीजेपी सबसे आगे दिख रही है। बीजेपी हरियाणा की 55 सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति में मंथन कर चुकी है। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता अनिल विज ने साफ किया कि जिन 55 सीटों पर मंथन हुआ है वो जिताऊ उम्मीदवार हैं। चुनाव जीतों की लिस्ट है और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट करेगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतने जा रही है। ये इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है और कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है, और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में अब हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर हरियाणा की चाबी इनके हाथ में जाती है तो ये तो पता नहीं और क्या कर देंगे। बीजेपी 55 सीटों पर मंथन कर चुकी है और बाकी 35 सीटों पर भी बीजेपी का मंथन जारी है। इस मंथन के बीच कई बड़ी बैठक भी हुई हैं। दिल्ली में नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने भी मनोहर लाल से मुलाकात की। टिकटों के मंथन को लेकर हरियाणा के बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर फिर से मंथन हुआ।
इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सह प्रभारी बिप्लब देव समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ती मुश्किलों की। एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी का शिकंजा कसता दिख रहा है। ईडी ने एक केस में 834 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। इस केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पहले से ही FIR दर्ज है। इस केस में और किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया है और कौन से केस में इतनी बड़ी कार्रवाई ईडी ने की, जरूर देखिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। एक बार फिर से ईडी का शिकंजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अब कसने जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की ओर से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। इस केस में हुड्डा के साथ ही साथ EMEAR और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ईडी की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में स्थित संपत्तियां जब्त। हुड्डा और अन्य पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। जमीन मालिकों से कम कीमत पर जमीन खरीदने और लाइसेंस हासिल करने का आरोप। कुल 401.65879 एकड़ में फैली संपत्तियों की नीलामी। अलग अलग प्रॉपर्टी की कुल कीमत 834.03 करोड़ रुपए। MR इंडिया लिमिटेड से जुड़ी 501.13 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। MGF डेवलपमेंट लिमिटेड से जुड़ी 332.69 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। हुड्डा पर ईडी का एक्शन ये पहली बार नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर पहले भी ईडी ने हुड्डा से पूछताछ की है। अब ईडी की कार्रवाई पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर राजनीतिक पारा भी हाई हो चुका है। हुड्डा सरकार में सस्ते दामों में खरीदी गई जमीन के मामले में अब ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ईडी के एक्शन पर सत्ता पक्ष और इनेलो भी जुबानी एक्शन में है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार से हुड्डा को जेल में डालने की मांग की है, तो अनिल विज ने हुड्डा पर तंज भरे लहजे में निशाना भी साधा। मैंने तो बहुत पहले विधानसभा में ये बात कही थी कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, हमने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी थी। अगर उस पर कार्रवाई पहले हो जाती तो हुड्डा तो बहुत पहले जेल चला जाता। अब तो स्पष्ट हो गया कि कितना बड़ा पैसा किस तरह से इन्होंने लूटा है। आज 850 करोड़ की जो प्रॉपर्टी इनकी अटैच करी गई है, अब किस चीज की देरी है, किस चीज का इंतजार है। जब एक आदमी का पता लग गया कि इसने इतनी बड़ी डाका मारा है, यहाँ पे चोरी करी है, लोगों का धन लूटा है, सस्ती जमीनें, महंगी जमीनें सस्ते में मजबूर करके खरीदी गई है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मामला है। इन्होंने किसान अपने राज में रुला दिए थे, सेक्शन 4 सेक्शन 6 लगाकर किसान बेचारा सस्ते में अपनी जमीन बेच के चला जाता था और फिर बिल्डर माफिया वो जमीन को खरीद लेता था, 4 भी हट जाता था, 6 भी हट जाता था। ये इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है और कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है, और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में अब हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए। केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, CBI कोर्ट में चल रहा है, और जिस आदमी का CBI कोर्ट में चल रहा है वो मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहा है। पहले बताया ना जनता को क्यों चल रहा केस, कितनी बेचियां भुगत चुका उस वहाँ पर, ये बताया लोगों को। 15 साल पुराने जमीन मामले में 834 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। आपको बता दें कि ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में स्थित है। आरोप है कि EMEAR MGF ने हुड्डा और डायरेक्टर DTCP त्रिलोकचंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीनें हथिया ली थी, जिसके कारण न केवल लोगों को बल्कि सरकार को भी काफी नुकसान हुआ था। अब इस मामले में ईडी अब आगे क्या एक्शन लेता है, यह अब देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो रही है तो कांग्रेस के चिंतन मंथन की भी बात कर लेते हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मेगा मंथन लगातार जारी है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से मौजूदा सभी सांसदों को विधानसभा चुनाव की टिकट देने से इनकार कर दिया गया है। अब कितनी सीटों पर कांग्रेस के नाम फाइनल है ये भी देखें। हरियाणा में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखें जितना नजदीक आती जा रही हैं, उतना ही मंथन भी गहन होता जा रहा है। किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना है उस पर सभी दलों का मंथन जारी है। दिल्ली में पिछले 3 दिन से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कांग्रेस ने 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया। 3 दिन तक चली बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया समेत प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी थे। इस बैठक में सभी नामों पर मंथन किया गया। कांग्रेस का टिकटों पर मंथन पूरा हो चुका है। 3 दिन तक चली इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। शनिवार को कांग्रेस फाइनल लिस्ट बनाकर पैनल के लिए भेज देगी। ये जानकारी खुद प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने दी। आज पूरी चर्चा हो गई है, सहमति का सवाल नहीं है। पैनल्स बने हुए हैं, कल जो है उसको फिर से क्रिस्टलाइज करेंगे और फाइनल रिकमेंडेशन देंगे। टोटल जो है मैंने आज जो है अनदर 40 सीट्स, 40 सीट आज, यानी कि टोटल पूरा आज खत्म हो गया। प्रिलिमिनरी डिस्कशन आज खत्म हो गया, पेंडिंग सीटें नहीं। आज जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ, कल फाइनल डिस्कशन करके पैनल जो यानी कि फाइनल रिकमेंडेशन का ड्राफ्ट बना दिया जाएगा। कल भी मैं स्पष्टता कर चुका हूँ, आवश्यकता के अनुसार सिंगल भी हो सकता है, कई जगह पे दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कांग्रेस शनिवार को एक फाइनल मंथन उम्मीदवारों के नामों पर करके पैनल को फाइनल नाम भेज दिए जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस की बैठक में किसी भी सांसद का विधानसभा का टिकट देने से इनकार किया गया था। जो भी सांसद कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा उसको पार्टी हाईकमान से इजाजत भी लेनी होगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस इस चुनाव में बिना सेनापति के मैदान में उतरेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं करेगी। बिना सीएम फेस के ही कांग्रेस इस चुनाव की रेस में अपना दांव खेलेगी। हमने नहीं किया और हम करना भी नहीं चाहते। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और ये चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी आयोग है। आपको सही समय पर उचित समय पर बताया। मैं समझ रहा हूँ कि जो ऐसा रिफ्लेक्शन जो है आपको एक आइकॉनिक तौर पे इसी प्रकार की उससे आपका एक मैसेज देते हैं। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की सीएसी की अहम बैठक होने जा रही है जिसमें हरियाणा कांग्रेस को उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी। कांग्रेस की ओर से साफ किया गया कि आवश्यकता के आधार पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। एक साथ भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है और हिस्सों में भी। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस उम्मीदवार को कहां से चुनावी रेस में उतारती है। दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सत्र जारी है। कई मुद्दों पर हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में हंगामा भी देखने को मिला है। कई मुद्दों पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया है, लेकिन इतने हंगामे के बीच हिमाचल सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। सुक्खू सरकार ने हिमाचल में बेटियों की शादी की उम्र को बढ़ा दिया है। अब हिमाचल में बेटियों की शादी 18 साल की आयु में नहीं होगी। किस आयु में अब बेटियों की शादी की जा सकेगी, ये रिपोर्ट आप देखें। हिमाचल का मानसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। सोमवार 3 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सत्र के पहले दिन से सदन में कई मुद्दों को लेकर हंगामा बरपा रहा। सदन से विपक्ष का वॉकआउट भी जारी है। सदन में नारेबाजी और विपक्ष का वॉकआउट के साथ ही साथ एक दूसरे पर जुबानी वार का दौर भी जारी रहा। मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन और बयानों पर निंदा का प्रस्ताव भी रखा गया। सरकार की ओर से सदन में निंदा प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया। किसी प्रकार का पुलिस विभाग द्वारा कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया गया और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर जी को सनसनी फैलाने की आदत सी बन गई है। आप देख रहे हैं कि हर बात पर
हम अभी बोलने को शुरू ही होते हैं और वो उठ खड़े होते हैं और बार बार कह रहे हैं कि मेरे घर की खिड़कियों के इर्द गिर्द ड्रोन गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस प्रकार की किसी भी जासूसी की कार्रवाई को कभी भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। जिनके पास मुद्दे नहीं होते ना, वो नारे लगा कर अपना नाम सुर्खियों में रखना चाहते हैं अखबार के माध्यम से, यही कर रहे हैं। और उनके साथ, मेरे साथ लग रहा है कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ उनके साथ जो विधायक है वो भी छल कर रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। वो मैं देख रहा हूँ कि जो वॉकआउट के में होते हो परे गेट तक पहुँच जाते हो, पीछे विधायक बैठे ही रहते हैं, तो ये भी देखना है। तो ये छल कर रहे हैं, तो बेचारे जयराम ठाकुर जी को ये सोचना चाहिए, गलतियां की है स्वीकार करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर की ओर से जिम्मेदारी के साथ जवाब ना देने की वजह से हमने वॉकआउट किया है। और मैं इस बात को मैं कहना चाहूँगा, प्रश्न ये था कि सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थुनाग में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमने शुरू किया था और उसकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस करने के बाद 205 बीघा जमीन उस कॉलेज के नाम पर की गई है। फॉरेस्ट की क्लीयरेंस सारी होने के बाद वहां पर भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन के पश्चात 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करने के बाद 2.25 वर्ष का कार्यकाल हुआ, लेकिन टेंडर नहीं होने दिया। अंततः वह टेंडर जब हुआ, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को हमने डिपॉजिट दिया था, हमने कहा इसका टेंडर तो करिए। जब टेंडर किया तो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि इस टेंडर को रोक दीजिए। जब हमने इस बात को पूछा तो कारण ये गोलमोल करके मंशा इसके पीछे ये है, या तो इस कॉलेज को बंद करना है या इस कॉलेज को यहां से शिफ्ट करना है। ये दो वजह है जिसको स्पष्ट नहीं कर रही है। हंगामेदार सदन के बीच हिमाचल की सरकार ने एक बड़ा फैसला भी किया है। हिमाचल की सरकार ने प्रदेश में बेटियों की शादी की उम्र को बढ़ा दिया। हिमाचल की सरकार ने बेटियों की विवाह की न्यूनतम आयु की सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब हिमाचल में 18 साल की बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। शादी के लिए बेटियों की उम्र अब 21 साल होना अनिवार्य है। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। अब हिमाचल में लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र अब बराबर हो गई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश ने अपना कानून बनाया, बेटियों की उम्र को 18 से 21 साल किया है और महिलाओं के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। 1500 रुपया हमने दिया और ये 18 से 21 का बिल हम लाए और जो लैंड सीलिंग एक्ट के तहत उनकी प्रॉपर्टी राइट था वो भी हमने अपनी बहनों को दिया। ये भी 1975 के बाद सबसे बड़ी अमेंडमेंट थी। पहले हिमाचल में बेटियों की शादी की उम्र 18 साल थी और बेटों की शादी की उम्र 21 साल थी, जिसे सरकार ने बराबर कर दिया। 21 साल की आयु में अब बेटे और बेटियों की शादी अब की जा सकेगी। शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो में हमने आपके सामने रखी वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। अभी के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।